दोस्तों मूवी की शुरुआत में एक हवेली को दिखाते हैं जहां पर ज्वालाबाई नाम की एक औरत बैठी होती है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक आदमी आकर बोलता है कि मलेश की बेटी आई है। जैसे ही ज्वालाबाई बाहर आती है, मलेश की बेटी ज्वालाबाई को देखकर गुस्से में बोलती है कि मेरे पापा ने गांव वालों के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ जंग लड़ी है, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तब ज्वालाबाई बोलती है, तुम्हें अभी तक सच नहीं पता, असलियत में तुम मलेश की बेटी नहीं हो, और उस लड़की को सारी सच्चाई बताती है। तब मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां मलेश और रुद्रांगी बचपन में खेल रहे होते हैं। रुद्रांगी मलेश की बुआ की लड़की होती है और दोनों बच्चों के परिवार वाले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके होते हैं। बस मलेश के दादा ही थे जो दोनों बच्चों की देखभाल कर रहे थे। अब मलेश के दादा की भी तबीयत खराब रहने लगी थी, उन्हें पता चल गया था कि वह ज्यादा दिन तक नहीं बच पाएंगे। तब वह मलेश और रुद्रांगी को साथ में बुलाकर वादा लेकर मलेश के हाथ से रुद्रांगी को मंगलसूत्र पहनवा देते हैं, जिससे मलेश रुद्रांगी का जीवन भर ध्यान रखे। अगले दिन भुजंगराव के आदमी मलेश के दादा को काम पर नहीं आने की वजह पूछते हैं। तब मलेश के दादा बोलते हैं कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वह कुछ और दिन तक काम पर नहीं आएंगे। जैसे ये बात भुजंगराव को पता चलती है, वह अपने आदमियों को मलेश के दादा को घसीटते हुए लाने के लिए कहता है और उसके आदमी ऐसा ही करते हैं। यह सब करने के बाद भी भुजंगराव मलेश के दादा को डंडों से पिटवाता है। तब मलेश भी दौड़ते हुए आता है और उसके पीछे रुद्रांगी भी वहाँ आ जाती है। मलेश भुजंगराव के पैरों में पड़कर उसके दादा को छोड़ने के लिए कहता है, मगर भुजंगराव मना करते हुए मलेश और रुद्रांगी को धक्का देता है, जिसके कारण रुद्रांगी के सर पर चोट लगने की वजह से वह बेहोश हो जाती है। पर मलेश खड़ा होकर अपने गुलेल से भुजंगराव और उसके आदमियों के ऊपर पत्थर मारता है और किसी तरह से अपने दादा के पास उन्हें छुड़ाने जाता है। मगर मलेश के दादा बोलते हैं कि वह अब नहीं बच पाएंगे, तो जल्दी से यहाँ से भाग जा। तब मलेश भी वहाँ से भाग जाता है। भुजंगराव के आदमी मलेश को पकड़कर मारने के लिए कहते हैं। तब भुजंगराव बोलता है कि वह इस बच्चे को तो जब मर्जी मार देगा और गुस्से में अपनी बीवी को बुलाकर बोलता है कि यह लड़की मतलब रुद्रांगी को ले जाओ और जब यह 20 साल की होगी तो मैं इसके साथ सोऊंगा। उसके बाद भुजंगराव अपने सबसे बड़े दुश्मन भीमराव को जान से मारने के लिए कहता है, जो कि उस गांव पर राज करने में उसके बीच आ रहा था। अगले सीन में हमें भीमराव को दिखाते हैं जो कि कहीं जा रहा था, तभी वहां पर भुजंगराव के आदमी आकर उस पर हमला कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। फिर मलेश चुपके से उन आदमियों पर गुलेल से पत्थर मारता है, जिसके बाद भीमराव भी अपने आप को छुटा लेता है और अपने चाकू से उन आदमियों को मार देता है। फिर भीमराव मलेश को अपने साथ अपने महल ले आता है, जहां उसकी बीवी मीराबाई मलेश को खाना खिलाती है। जैसे ही भीमराव देखता है कि मलेश ऊपर बैठकर खाना खा रहा है, भीमराव को ये सब पसंद नहीं आता और वह मलेश को नीचे खाने के लिए बोलता है। अब मलेश भीमराव को अंदर कमरे में बोलता है कि वह भुजंगराव को जान से मार देगा। तब भीमराव बोलता है कि उसे अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब दोस्तों समय बीतता है और 15 साल के बाद का समय दिखाते हैं, जहां भीमराव अब एक नई बीवी ले आता है जिसका नाम ज्वालाबाई है और वह एक साहसी लड़की है और उसे लड़ना भी काफी अच्छे से आता है। उस समय मीराबाई प्रेग्नेंट हो चुकी होती है और भीमराव अब ज्वालाबाई के साथ अपनी पहली रात मनाने जा रहा होता है। तभी भीमराव के ऊपर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं जो भुजंगराव ने भेजे थे, पर ज्वालाबाई उन गुंडों को ही मारती है, जिसके बाद भीमराव भी उन पर अटैक कर देता है। तब उसे पता चलता है कि वह सारे गुंडे भुजंगराव ने भेजे हैं। तब भीमराव गुस्से में मलेश को भुजंगराव को मारने के लिए भेज देता है। मलेश अब काफी बड़ा हो गया था, वह भुजंगराव के घर पहुंचकर उसके आदमियों को जान से मार देता है और भुजंगराव को मारकर उसी तरह घोड़े पर घसीटकर लाता है, जैसे उसके दादा को उसने किया था। भीमराव फिर भुजंगराव को बांधकर बंदूक से गोली मार देता है, जिससे वह वहीं पर मर जाता है। और फिर भीमराव मलेश से काफी खुश होकर उसे कुछ भी मांगने के लिए कहता है। तब मलेश बोलता है कि आप गांव वालों को नदी का पानी इस्तेमाल करने दीजिए और गांव में बच्चों के लिए स्कूल खुलवाइए ताकि वह पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। भीमराव नदी का पानी गांव वालों को इस्तेमाल करने के लिए तो दे देता है, लेकिन स्कूल खोलने के बदले गांव में फ्री खाना और कपड़े बंटवा देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर गांव वाले पढ़ लिख गए ना तो उसकी गुलामी कोई नहीं करेगा। अगले सीन में भीमराव ज्वालाबाई के साथ स्वागत मनाने जाता है। तब उसे याद आता है कि ज्वालाबाई ने गुंडों को किस तरह से मारा था और भीमराव का मानना था कि लड़कियां हमेशा कोमल और कमजोर होती हैं। तब भीमराव बोलता है कि जब तक तुम एक आम लड़की नहीं बनोगी वह उसके साथ नहीं सोएगा। यह बात सुनकर ज्वालाबाई को काफी गुस्सा आता है। भीमराव फिर मीराबाई को लेकर उसके कमरे में सोने चला जाता है। इधर गांव वाले अब नाच गाना कर रहे थे,
तब ज्वालाबाई की नजर मलेश पर पड़ती है और वह बोलती है कि वह मलेश को हासिल करके ही रहेगी। अगले दिन भीमराव जब शिकार के लिए जाता है तब ज्वालाबाई मलेश से करीबियां बढ़ाने की कोशिश करती है और उसे इशारे भी दे रही होती है, पर मलेश ज्वालाबाई पर जरा भी ध्यान नहीं देता। भीमराव को अब जंगल में एक लड़की मिलती है जिसे देखकर वह उस पर फिदा हो जाता है और उसे अपने घर पर ला ही रहा होता है, तभी वह लड़की वहां से भाग जाती है। महल में आकर भीमराव उस लड़की को भूल नहीं पाता और उसके बारे में ही पूरा दिन सोचता रहता है। इधर ज्वालाबाई अपनी दासियों से मलेश को उसके कमरे में लाने के लिए कहती हैं, पर मलेश उन्हें मना करता है, जिसके बाद ज्वालाबाई मलेश को अपनी बंदूक की नोक पर अपने कमरे में लाती है। तब मलेश बोलता है कि वह एक लड़की से प्यार करता है और वह उसे धोखा नहीं दे सकता। ज्वालाबाई बोलती है कि वह भीमराव को मारकर उसे महल का राजा बना सकती है अगर वह उसके साथ रहने के लिए राजी हो जाए, पर मलेश मना कर वहां से चला जाता है। अगले दिन भीमराव मलेश से उसी लड़की को लाने के लिए कहता है जो उस जंगल में मिली थी। जैसे मलेश उस लड़की को लेकर आता है तब हमें पता चलता है कि वह लड़की कोई और नहीं रुद्रांगी ही है। मलेश भीमराव को हाथ जोड़कर बोलता है कि उसने रुद्रांगी को भुजंगराव को लाने से पहले छुड़ा लिया था और अपने दादा को वचन दिया था कि वह उसका ध्यान रखेगा और दोनों की शादी भी हो रखी है। वहाँ पर ज्वालाबाई और मीराबाई ये सब देख रहे थे। तब भीमराव को मलेश पर गुस्सा आता है, पर वह कुछ भी नहीं करता बल्कि वह मलेश को एक एकड़ जमीन देकर उनकी शादी कराने को बोलता है। असलियत में भीमराव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रुद्रांगी अब ज्वालाबाई से मिलती है और बताती है कि मलेश आपकी काफी तारीफ करता है। यह सुनकर ज्वालाबाई थोड़ा तो खुश होती है लेकिन दूसरे ही पल उस पर भड़क जाती हैं। अगले सीन में भीमराव मलेश के सामने अपने असली इरादे रखता है कि भले ही तुम दोनों शादी करो पर रुद्रांगी को एक रात उसके साथ सोना होगा, जिसके बाद मलेश को काफी गुस्सा आता है और वह बोलता है कि अगर किसी ने भी रुद्रांगी को कुछ भी किया तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। तब वहां पर भीमराव के काफी सारे आदमी मलेश से लड़ने आते हैं और मलेश को किसी तरह से पकड़ लेते हैं और फिर भीमराव रुद्रांगी को पकड़कर मलेश को चाकू से मारने वाला होता है, पर पीछे से ज्वालाबाई बंदूक की नोक पर भीमराव को रोक देती है और मलेश और रुद्रांगी को वहां से जाने के लिए कहती है। और जैसे ही भीमराव ज्वालाबाई पर गुस्सा करता है ज्वालाबाई बोलती है कि तुम मर्द हो तो मलेश को सबके सामने सबक सिखाओ जिससे हर कोई तुमसे खौफ खाए। ज्वालाबाई ने बड़ी चालाकी से मलेश का साथ भी दिया और भीमराव को भी संभाल लिया। भीमराव अब चारों तरफ अपने साथियों को मलेश को ढूंढने के लिए कहता है पर मलेश उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। तब भीमराव गांव के बच्चों और औरतों को मारकर मलेश का पता पूछता है। भीमराव उन औरतों से ये भी बोलता है कि अगर वह औरतें अपने बच्चों को बचाना चाहती हैं तो वह मलेश और रुद्रांगी को उसके पास ले आए। तब सारी औरतें मलेश के पास जाती हैं और भीमराव के गांव पर अत्याचार के बारे में बताती हैं और बोलती हैं कि भले ही कुछ भी हो जाए इस बार वह भीमराव के सामने नहीं झुकेंगी, और फिर सारी औरतें ये बात भीमराव को भी बोल देती हैं। तब भीमराव अपने आदमियों को भेजकर सारी औरतों के कपड़े उतरवाने लगता है। जैसे भीमराव के आदमी ये सब कर रहे होते हैं तभी मलेश वहां आकर भीमराव के आदमियों को खूब मारता है और वहां से भगा देता है। यह सुनकर भीमराव काफी तिलमिला जाता है और अपने आदमियों से बोलकर गांव वालों को पानी बंद करवा देता है, जिसके बाद गांव वाले और उनके बच्चे प्यास से मरने लगते हैं। तब मलेश गांव वालों की हालत देखकर भीमराव की बात मान लेता है और रुद्रांगी के साथ महल जाता है और फिर वह वहां पर भीमराव के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। इसके बाद भीमराव मलेश से रुद्रांगी को तैयार कर उसके पास लाने के लिए कहता है। जैसे रुद्रांगी भीमराव के पास आती है इधर गांव वालों को नदी का पानी मिल जाता है। ये सब रुद्रांगी ने गांव वालों के लिए किया था। इसके बाद ज्वालाबाई मलेश को बोलती है कि अगर उस दिन तुमने मेरी बात मान ली होती तो तुम आज एक राजा होते और ऐसा कुछ भी नहीं होता। तब भीमराव को आदमी आकर ज्वालाबाई को सब कुछ सच बता देता है कि मलेश ये सब अपने गांव वालों के लिए कर रहा है और फिर ज्वालाबाई को पूरी बात पता चल जाती है। अब भीमराव की पहली बीवी मीराबाई का बच्चा होने वाला होता है। इधर गांव वाले नदी का पानी पीकर मरने लगते हैं क्योंकि भीमराव ने बदला लेने के लिए उस नदी में जहर मिला दिया था। अब बाकी बचे गांव वाले गुस्से में महल की ओर आते हैं। इधर महल में मीराबाई ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसके बाद वह भगवान के पास चली गई, पर उसने मरने से पहले वह बच्चा मलेश और ज्वालाबाई को देकर उसे बड़ा कर गांव में शिक्षा बांटने का वादा लेती है। इधर रुद्रांगी भी मर जाती है क्योंकि उसने भीमराव के पास आने से पहले जहर खा लिया था। अब ज्वालाबाई और मलेश भीमराव के आदमी से लड़ने लगते हैं और भीमराव भी अब गुस्से से पागल हो जाता है। तभी मलेश अपने एक दोस्त को बच्ची देकर उसे बाहर गांव से पढ़ाने को बोलकर भेज देता है जिससे वह बड़ी होकर गांव को संभाल सके। अगले सीन में भीमराव ज्वालाबाई और मलेश को मारते हुए महल
के बाहर ले आता है, जिसके बाद कुछ गांव वाले भीमराव पर हमला कर देते हैं, पर भीमराव उन सबको बड़ी बहरहमी से मार देता है। तभी मलेश भीमराव के पैर में रस्सी बांधकर उसे घसीटकर मारता है और भीमराव को बांध देता है। तब भीमराव अपनी पूरी ताकत से खुद को आजाद करा लेता है। फिर मलेश और भीमराव के बीच खूब लड़ाई होती है, पर भीमराव किसी तरह से मलेश को घायल कर देता है। भीमराव को लगता है कि वह अब जीत गया है और सारे गांव वाले उसकी गुलामी फिर से करेंगे, पर गांव वाले बोलते हैं कि वे उसकी गुलामी अब नहीं करेंगे। तब पीछे से ज्वाला भाई मलेश के पास एक तलवार फेंकती है और ज्वाला भाई और मलेश दोनों मिलकर तलवार से भीमराव को मारने के लिए जाते हैं, पर उससे पहले भीमराव खुद का गला काट कर मर जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसका राज अब खत्म हो चुका है, जिसके बाद गांव वाले अब हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं। तभी मलेश घायल होने की वजह से जमीन पर गिर जाता है। ज्वालाबाई मलेश को अपनी गोद में रखती हैं। तब मलेश अपनी आखिरी शब्द बोलता है कि मेरा सपना है कि यह गांव खूब आगे बढ़े और यह महल एक स्कूल बन जाए, ताकि सारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। इसके बाद मलेश ज्वालाबाई से यह वादा लेता है कि जब तक मीराबाई की बेटी यहाँ नहीं आएगी, तब तक वह उस गांव को संभाले। और फिर मलेश अपना दम तोड़ देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें पता चलता है कि वह लड़की मीराबाई की बेटी है। ज्वालाबाई मीराबाई की बेटी को बोलती है कि तुम अपनी माँ और मलेश का सपना पूरा करो और गांव में शिक्षा बांटो, जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि वह महल एक स्कूल में बदल दिया गया है, जो कि मलेश और रुद्रांगी की कुर्बानी की वजह से हो पाया था। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको विजय देवरकोंडा और समंता की हाल ही में आई मूवी देखनी है तो ये वीडियो देख लीजिए।